नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक माह से जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त, जिससे यहां अपराधियों के हौसले लगातार बुलंदियों पर। ललितपुर जिले में लगातार एक माह से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें मारपीट और हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसे देखकर ऐसा लगने लगा है कि दबंग प्रवृत्ति के लोगों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा और यहां एक के बाद एक घटनाएं रोजाना देखने को मिल रही हैं। उसी क्रम में ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती पुलिस चौकी अंतर्गत गांधीनगर में एक बड़ा बेचने वाले गरीब व्यक्ति पर मोहल्ले के ही रहने वाले एक दबंग व्यक्ति ने लाठी डंडों से मार मार कर उसे अधमरा कर दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं और उसका सिर फट गया, जिसे तत्काल ललितपुर के जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। जैसा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार हमला करने वाले इस दबंग व्यक्ति पर थाना सदर कोतवाली में कई मामले दर्ज हैं और ये व्यक्ति शराब पीकर आए दिन मोहल्ले वासियों से गाली गलौज एवं मारपीट करता रहता था। पापा नाश्ता होगा, मुझे नाश्ता नहीं दिया रहे थे, कहीं पर उन्होंने नाश्ता मांगा गाँव जा रहा है, पापा ने धोखे लिख दिया था तो नाश्ता दे भी दिया, लेकिन फिर भी उसने लात मार दी, लक्ष मत मार दिया, लोग गुम्मा मुम्मा से पूरा सर फट गया, खून का वही थी फिर पता चला वो भाग गया, पुलिस ने दिया है तो वो बोलता है पूरा सब इमरजेंसी में जाओ और वहाँ से लिखवा गया जब लिखवाए कर दिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।